गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास सेकंड के लिए है साइंस। दो चैप्टर हो गए थे, ये तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम है एनिमल्स दैट हेल्प अस। एनिमल्स मीन्स आपको पता है जानवर होते हैं। एनिमल्स दैट हेल्प अस, ऐसे जानवर जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स का, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं वो जो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं। इसमें एम में लिखा है एनिमल्स दैट हेल्प अस इन मैनी वेज, ऐसे एनिमल्स जो हमारी हेल्प करते हैं कई तरीके से। डोमेस्टिक आर पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू होता है, घरेलू जो जानवर होते हैं, या फिर उनको हम पेट एनिमल्स बोलते हैं जो पालतू होते हैं, जिनको हम पालते हैं, जैसे कि काउज हुए, बफेलोज हुए, और सीप्स हैं। तो ऐसे कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं, तो उनको पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर शुरू करते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर आल्सो फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कह रहा है कि जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मीन्स पौधे, जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स हैं, आर आल्सो फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो भी जो है लगभग लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, पृथ्वी पे। जैसे कि प्लांट्स होते हैं वैसे एनिमल्स भी लगभग, कह रहा कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब हर जगह, ऑन द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी पे। तो जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे एनिमल्स भी लगभग सब जगह पाए जाते हैं इस पृथ्वी पे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कह रहा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कई टाइप के एनिमल्स होते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, टाइप्स, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ एनिमल्स मतलब कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स लिविंग आर ऑन लैंड, कह रहा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सम एनिमल्स मतलब कुछ एनिमल्स लिविंग मतलब रहते हैं ऑन लैंड, लैंड मीन्स जमीन पे या पृथ्वी पे या जो है अर्थ पे हम कह सकते हैं, लैंड, लैंड पे जो रहते हैं आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंड एनिमल्स, जो लैंड पे रहते हैं उनको, जो पृथ्वी पे रहते हैं उनको हम, मतलब ज़मीन पे जो रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं, बेसिकली ज़मीन हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड सम लिविंग इन वाटर, और कुछ जो है वाटर में भी रहते हैं, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, जो वाटर में रहते हैं उनको बुलाते हैं, कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाना, वाटर एनिमल्स, जो वाटर में रहते हैं उनको वाटर एनिमल्स कह के बुलाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों पे रहते हैं, लैंड पे और वाटर में भी, पानी में भी, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, कॉल्ड एम्फीबियंस, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे और वाटर में दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, जो एनिमल्स होते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं, यूजफुल मीन्स उपयोगी, अस मीन्स हमारे लिए। सम एनिमल्स आर टेम्ड, कुछ एनिमल्स होते हैं वो टेम्ड होते हैं, थोड़ा सा मतलब कि जो है टेम्ड होते हैं, वी कीप देम ऑन आवर फार्म्स आर इन आवर होम्स, हम लोग उनको रखते हैं, वी कीप देम, कीप मीन्स रखना, वी कीप देम ऑन आवर फार्म्स आर इन आवर होम्स, हमारे फॉर्म्स बने होते हैं, जैसे कि उनके लिए अलग से जो है एक बना दिया जाता है, घर बना दिया जाता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए, तो उसी को फॉर्म्स बोलते हैं, या फिर जो अलग नहीं बनाया जाता, कुछ कम ही होते हैं तो एक दो होते हैं तो उनको घर पे भी रख लेते हैं। तो कह रहा कि वी कीप देम ऑन आवर फॉर्म्स आर इन आवर होम्स, या फिर अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, जो घर पे रहते हैं या फार्म में रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, तो उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है यूजेज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि यूजेस क्या हैं, उपयोग क्या है डोमेस्टिक एनिमल्स के, कि जो हम लोग जानवर पालते हैं, पेट करते हैं, जो पालते हैं उनका यूज क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे यूज क्या है उनका। एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क लाइक काऊ, गोट एंड बफेलोज आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। कह रहा कि एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, ऐसे जानवर जो हम लोगों को मिल्क देते हैं, लाइक काऊ, जैसे कि काऊ मिल्क मीन्स दूध होता है। कुछ एनिमल्स हम जो है हमको मिल्क देते हैं ना, जैसे कि कह रहा कि काऊ, काऊ मीन्स गाय होता है, आपको पता है। गोट, गोट जानते हैं, एंड बफेलोज, और बफेलोज मीन्स जो भैंस होती है, इनको कहा जाता है आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। इनको क्या कहा जाता है, मिल्च एनिमल्स। ठीक है, मिल्क इज़ ए होलसम फूड विच इज़ यूज बाई एवरी वन। कह रहा कि मिल्क जो होता है एक होलसम फूड होता है, एक टाइप का फूड ही होता है, खाना ही होता है, विच इज़ यूज बाई एवरी वन, जो कि लगभग हर कोई यूज करता है। मिल्क लो है जो है हर कोई यूज करता है, या मिल्क यूज करता है, या मिल्क से बना कोई प्रोडक्ट यूज करता है। जैसे मिल्क से ही हम लोग दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, या फिर मिठाई भी बनती है। तो मिल्क जो है होलसम फूड है, मतलब कि लगभग जो है ये फूड ही है जो कि यूज किया जाता है सबके द्वारा, एवरी वन, एवरी मीन्स हर एक जो है इसको यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वी यूज मिल्क टू मेक कर्ड, घी, चीज़, बटर इटीसी। कह रहा कि हम लोग मिल्क यूज करके कर्ड बनाते हैं, घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं और बटर बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है घी तो जानते हैं, चीज़ भी जानते हैं जो पनीर होता है, बटर जो बटर होता है, मक्खन होता है, ये सब भी जो है हम लोग बनाते हैं। कर्ड मीन्स आपको पता है दही होता है, तो मिल्क से ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्या बनता है, कर्ड बनता है, घी बनता है, चीज़ बनता है और बटर बनता है। ठीक है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन होता है। ठीक है, तो मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट कहा जाता है, दूध से जो चीज़ें बनती हैं उनको जो है मिल्क प्रोडक्ट कहा जाता है। फिर आता है द एनिमल्स सच एज हैन एंड डक गिव अस एग्स। जैसे कि कुछ एनिमल्स बता रहा है, जैसे कि हैन होती हैं और डक होते हैं। ठीक है, गिव अस एग्स, ये हम लोग क्या देते हैं, एग्स देते हैं, एग्स मीन्स अंडे। तो हैन और डक जो है अंडे देती हैं। एनिमल्स लाइक फिश, गोट एंड हैन गिव एग्स एंड मीट। फिर कुछ एनिमल्स जैसे बता रहा है कि फिश होते हैं, गोट हैं एंड हैन, ये सब जो होती हैं गिव एग्स एंड मीट, ये क्या देती हैं, एग्स और मीट दोनों देती हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं ये वो एग्स भी देती हैं और मीट, मीट मीन्स मांस होता है जिसको कुछ लोग खाते हैं, तो ये मीट होता है, तो इनसे हमको मीट भी मिलता है। फिर कह रहा कि वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हीप्स। हम लोग जो है हनी भी मिलता है, हनी मीन्स जो शहद होता है, शहद आप लोग खाए होंगे। ठीक है, वी गेट हनी एंड वैक्स, वैक्स, वैक्स मीन्स ऐसे मोम होता है, मोम कहा जाता है, फ्रॉम वी हीप्स, जो वी हीप्स होते हैं उनसे हमको जो है वी हीप्स, ये जो छत्ता होता है ना वी हीप्स, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, हनी मिलता है और वैक्स मिलता है। ठीक है, हनी बीज, जो हनी बीज होते हैं जिनको हम लोग, ये मधुमक्खी होती हैं, ये मेक द बीहीप, ये मधुमक्खी जो होती हैं यही बीहीप बनाती हैं, बीहीप मीन्स ये छत्ता जो है यही बनाती हैं ये, बाय सकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। कैसे बनाती हैं ये, ठीक है, इसमें रस कैसे आता है बीहीप में, वो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, क्या करती हैं वो सक करती हैं, सक मीन्स जो है चूसना, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के नेक्टर्स होते हैं, जो उसमें फ्लावर आप लोग देखे होंगे, फ्लावर्स के बीच में जो है वो नेक्टर होते हैं, वहाँ पे जो है रस होता है, उसको चूसती हैं वो। ठीक है, सक करती हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज वैक्स इज़ यूज्ड टू मेक कैंडल्स।
जो बीज के ये वैक्स होते हैं, वैक्स मीन्स ये मोम जो होता है, उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं। कैंडल्स जो मोमबत्ती होती है उसको बनाने में हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम एनिमल्स लाइक सीप, गोट, रैबिट इटीसी, कुछ एनिमल्स जैसे कि सीप होते हैं, जो भेड़ होती हैं, गोट होते हैं, रैबिट होते हैं, ये सब कह रहा है कि रैबिट वगैरह इटीसी गिव अस ऊल, इनसे हमको क्या मिलता है, ऊल मिलता है। ऊल मीन्स ऊन, जिसका हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो उसको हम लोग ऊल बोलते हैं, ठीक है। ऊल का धागा होता है, ऊन का धागा होता है, तो ये ऊन कहाँ से मिलता है हमको, वो हमको ऊन जो है सीप से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है, यहाँ से मिलता है ये, ठीक है। कह रहा है ऊल इज़ यूज टू मेक वूलन क्लॉथ्स, ऊल का यूज़ हम लोग करते हैं वूलन क्लॉथ्स, जो है ऊनी कपड़ा होता है, वूलन क्लॉथ मीन्स ऊनी कपड़ा होता है, उसको बनाने के लिए, मेक मीन्स बनाना, उसको बनाने के लिए जो है ऊन का यूज़ किया जाता है। व्हिच वी वियर इन विंटर्स, जो कि हम वियर करते हैं, वियर मीन्स पहनना, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, इन विंटर्स सर्दियों में, विंटर्स मीन्स ठंड होती है, ठंडी का मौसम जो होता है उसको विंटर कहा जाता है। तो हम लोग सर्दियों के मौसम में उसको पहनते हैं, किसको पहनते हैं, जो ऊलन क्लॉथ होते हैं, ठीक है, जो ऊनी कपड़ा होते हैं उनको जो है हम लोग ठंडियों के मौसम में पहनते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सिल्क इज़ मेड फ्रॉम सिल्क वर्म, जो सिल्क होता है आप लोग देखे होंगे, सिल्क की साड़ी जानते होंगे, सिल्क की साड़ी लोग बोलते हैं, घरों में बोलते भी होंगे मम्मी लोग, ठीक है, कि सिल्क की साड़ी है या किस चीज़ की साड़ी है। तो कह रहे हैं जो सिल्क होता है इज़ मेड फ्रॉम सिल्क वर्म, वो किससे बनता है, सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म मीन्स ये जो सिल्क वर्म में कीड़े होते हैं एक टाइप के, वर्म मीन्स होता है वैसे केचुआ, तो सिल्क वर्म होता है, उन्हीं से बनाया जाता है। क्लॉथ्स लाइक सारीज एंड सूट्स आर मेड फ्रॉम सिल्क, जो क्लॉथ होते हैं कुछ क्लॉथ जैसे कि सारी हैं, सूट हैं, आर मेड फ्रॉम सिल्क, ये सब बनाए जाते हैं सिल्क से, ठीक है। बैग्स, शूज, जैकेट्स एंड बेल्ट्स, जो बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, बैग्स मीन्स जो बैग आप लोग जो है स्कूल बैग भी होता है और बैग होते हैं, शूज़ आप लोग जानते हैं जूते होते हैं, जैकेट्स जो पहना जाता है ऊपर, एंड बेल्ट्स और बेल्ट भी, आर मेड फ्रॉम लेदर, ये सब किससे बनाए जाते हैं, लेदर से। लेदर मीन्स चमड़ा होता है वैसे। लेदर व्हिच इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कि बनाया जाता है एनिमल्स के स्किन से, ठीक है। एनिमल्स जानते हैं आप लोग, जानवर, स्किन मीन्स त्वचा होती है, तो उससे बनाए जाते हैं। लाइक क्रोकोडाइल, जैसे कि क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल आप लोग जानते हैं, मगरमच्छ, बफेलोज, बफेलो मीन्स भैंस होती है, ETC। तो कह रहा कि जो बैग्स होते हैं, शूज होते हैं, जैकेट्स होते हैं, बेल्ट होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं लेदर से। लेदर मीन्स जो चमड़ा होता है उससे बनाए जाते हैं। व्हिच इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कि बनाए जाते हैं एनिमल्स के स्किन से। स्किन मीन्स त्वचा होती है, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, क्रोकोडाइल आप लोग जानते हैं ना, मगरमच्छ, बफेलो मीन्स जो भैंस होती है, इन सब के जो चमड़े होते हैं इनके द्वारा जो है बैग्स, शूज, जैकेट्स, बेल्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर कह रहा कि द एनिमल्स लाइक डोंकी, एनिमल्स होते हैं जैसे कि डोंकी हुआ, एलिफेंट हुआ, हॉर्स हुआ, कैमल एंड बुल, आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन हु कैरी लोड फॉर अस। इसमें कह रहा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डोंकी हुए, डोंकी मीन्स ये गधा जो होता है, एलिफेंट आप लोग जानते हैं, हॉर्स जानते हैं, कैमल, कैमल ये है कैमल जानते हैं, एंड बुल, और जो बुल होते हैं, बैल होते हैं, आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, इनको जो है बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हु कैरी लोड्स फॉर अस, ये लोग जो है लोड्स मीन्स भार कैरी करते हैं, मतलब ले जाते हैं, इसीलिए इनको जो है बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है, ठीक है। बीस्ट मीन्स जानवर होता है,
तो इसीलिए इनको जो है बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग लोड लेके चलते हैं। आप लोग देखे होंगे बुल क्या काम करते हैं, जो है कैमल क्या काम करते हैं, डोंकीज़ आप लोग देखे होंगे जो भार उन पर लाद दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स होते हैं जो कि बीस्ट ऑफ बर्डन कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग लोड लेके चलते हैं, भार लेके चलते हैं, ठीक है, ये लोग काम करते हैं। फिर कह रहा है दे हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा कि ये हेल्प करते हैं हम लोगों को मूव करने के लिए, चलने के लिए, एक जगह से, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से टू अनदर, दूसरी जगह तक। तो ये लोग लोड लेके चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इनको जो है ले जाया जाता है इनके ऊपर लोड रख के, ठीक है, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है। कह रहा है सम एनिमल्स लाइक ऑक्स हेल्प इन प्लाउइंग फील्ड्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे कि ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल होता है, ये जो है बैल होते हैं, यहाँ पे ये भी बना हुआ है। सम एनिमल्स लाइक ऑक्स हेल्प इन प्लाउइंग फील्ड्स। प्लाउइंग मीन्स होता है जोतना, जैसे खेत जोता जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि वैसे अब नहीं जोता जाता, लेकिन पहले जोता जाता था खेत बैलों से। तो कह रहा है ऑक्स हेल्प इन प्लाउइंग, प्लाउइंग मीन्स जोतना, फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेत। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि ऑक्स होते हैं, इनका यूज़ हम लोग करते हैं खेत जोतने के लिए, ठीक है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कह रहा है मैन्योर, मैन्योर मीन्स जो देसी खाद होता है उसको मैन्योर बोलते हैं। कह रहा है मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो जो डंग होते हैं इनके, जो है डंग होते हैं मीन्स जो गोबर होता है, इनके गोबर से जो है मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर मीन्स खाद बनाई जाती है, आप लोग देखे होंगे गांव में, ठीक है, कि जो ये सब एनिमल्स होते हैं इनका जो गोबर होता है उन गोबर को इकट्ठा कर देते हैं एक जगह, तो कुछ दिन में जो है वो सड़ जाता है और खाद बन जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना होता है, बाय द डंग, डंग मीन्स गोबर होता है, ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के गोबर से जो है खाद भी बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि मैनी एनिमल्स आर केप्ट इन द जू। कई एनिमल्स जो होते हैं वो केप्ट, केप्ट मीन्स रखना, जू मीन्स चिड़ियाघर, कई एनिमल्स को जो है चिड़ियाघर में भी रखा जाता है। पीपल विजिट द जू, लोग, पीपल मीन्स लोग, विजिट मीन्स ऐसे पधारना होता है या आना जाना, तो पीपल विजिट, विजिट करते हैं, जाते हैं जू में, जू मीन्स चिड़ियाघर में, फॉर द एंटरटेनमेंट, किस चीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट मीन्स क्या होता है, मनोरंजन, ठीक है, वो जाके देखते हैं, उनको जो है थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, वही मनोरंजन होता है। तो कुछ लोग जो है चिड़ियाघर में जाते हैं, लोग जाते हैं चिड़ियाघर में इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन इन्जॉय द राइट्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जो है एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन पे बच्चे बैठ के जो है उन पे राइड करते हैं, राइड मीन्स सवारी करते हैं उनकी, ठीक है, जैसे घोड़े होते हैं तो घुड़सवारी करते हैं, तो राइड्स मीन्स सवारी करना होता है। कह रहा चिल्ड्रन इन्जॉय द राइट्स ऑफ सम एनिमल्स, बच्चे जो है इन्जॉय करते हैं किस चीज़ से, राइड्स करके, उस पर जो है सवारी करके कुछ एनिमल्स की, जैसे कि कह रहा है कि लाइक एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स, जैसे कि एलिफेंट होता है एलिफेंट पे बैठ के, या फिर कैमल पे बैठ के, या फिर हॉर्स पे बैठ के जो है घूमते हैं, सवारी करते हैं उनकी, उनको मज़ा आता है, ठीक है। सम एनिमल्स आर केप्ट इन सर्कस, कुछ एनिमल्स को जो है सर्कस में रखा जाता है, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल, किस चीज़ के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है, आनंद के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के जो है इन्जॉयमेंट के लिए जो है सर्कस में भी जो है कुछ एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। अब आ रहा कह रहा कि पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स क्या होते हैं, जो पालतू जानवर क्या होते हैं, पेट एनिमल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। कह रहा कि एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, रैबिट, फिश एंड पैरट आर केप्ट एट होम। एनिमल्स जैसे कह रहा कि डॉग है, कैट है, रैबिट है, फिश है और पैरट है। डॉग मीन्स आपको पता है, ठीक है, कुत्ता होता है, कैट मीन्स बिल्ली होती है, रैबिट मीन्स आप लोग जानते ना
ये जो जानवर होता है, ठीक है, खरगोश जिसको हम लोग बोलते हैं, फिश आप लोग जानते हैं, पैरट जानते हैं, तोता होता है, आर केप्ट एट होम, इन सबको किस कहाँ रखा जाता है, घर पे रखा जाता है। दे आर नोन एज पेट एनिमल्स, तो इनको घर पे पाला जाता है, इसलिए इनको जो है पेट एनिमल्स कहा जाता है, पालतू जानवर कहा जाता है। पेट्स हेल्प अस इन मैनी वेज, जो पेट्स एनिमल्स होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं कई तरीके से, मैनी वेज, वेज मीन्स तरीका होता है, मैनी मीन्स कई, हेल्प मीन्स सहायता करना, और पेट्स मीन्स पालतू जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं वो हमको कई तरीके से हेल्प करते हैं। दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ये जो होते हैं ये हमारे फैमिली के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारे फैमिली के जो है ये पार्ट बन जाते हैं, फैमिली मीन्स परिवार होता है, तो जैसे साथ में रहते हैं तो ये उसी फैमिली के ही पार्ट बन जाते हैं ये, ठीक है। बिकम मीन्स होना होता है। फिर कह रहा है कि वी लव एंड केयर फॉर देम, हम लोग लव करते हैं और केयर, केयर मीन्स देखभाल, वी लव एंड केयर फॉर देम, उनका हम लोग, उनको हम प्यार भी करते हैं, मानते भी हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, फॉर देम लाइक ए मेम्बर ऑफ द फैमिली, जैसे कि फैमिली के और मेम्बर्स होते हैं, जैसे उनकी देखभाल करते हैं वैसे ही इनकी भी देखभाल हम लोग करते हैं, ठीक है। मेम्बर मीन्स जो परिवार के मेम्बर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, और फैमिली मीन्स परिवार होता है, ठीक है, मेम्बर्स मीन्स सदस्य और फैमिली मीन्स परिवार, परिवार के सदस्य, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं वैसे इनकी भी देखभाल की जाती है। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे मित्र होते हैं। टीजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड, जो कह रहा है कि टीजिंग, टीजिंग मीन्स हम लोग परेशान करते हैं कुछ एनिमल्स को, ठीक है, टीज करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो कह रहा है कि टीजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड, तो ये सब जो है अवॉइड करना चाहिए, इस से बचना चाहिए, ठीक है। वी शुड लुक आफ्टर देम, हम लोगों को उनकी देखभाल करनी चाहिए, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, देम मीन्स उनका, एंड रिमेन वेरी काइंड टू देम, और जो है बहुत ही काइंड मीन्स दयालु तरीके से उनसे जो है व्यवहार करना चाहिए। वही कह रहा है रिमेन वेरी काइंड टू देम, जो है उनके लिए हम लोगों को बहुत ही दयावान या जो है काइंड होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो एनिमल्स के प्रति हम लोगों को इस तरह से होना चाहिए। तो ये रहा आपका जो है थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।